के जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। हम तैयार हैं जंग लड़ने के लिए, हम जंग से नहीं डरते। अगर वो डरते हैं तो बता दें हम जंग वगैरह से नहीं डरते, हम उनके छाना बछाना खड़े हैं कश्मीरी भाइयों के अपने। तो वो जंग नहीं कर सकते, हम अपना कश्मीर छीनेंगे और छीन के अपना पाकिस्तान बनाएंगे उनको। जम्मू एंड कश्मीर तो हमारा हो गया, अब आजाद कश्मीर की बारी है। 2024 का चांद चढ़ने दो फिर देखना। वो कश्मीर कभी नहीं हमसे छीन सकते, हम एक हो जाए और कभी भी वो कश्मीर नहीं छीन सकते हमसे, क्योंकि कश्मीर हमारे पाकिस्तानियों का जज्बा और जुनून है, तो वो पाकिस्तान से कभी कश्मीर नहीं छीन सकते। चले, जज्बा जुनून है, आपने बड़ी बात बोल दी कि कश्मीर हमारा जज्बा है, कश्मीर हमारा जुनून है। लोग हमेशा इस बात पे जोर देते हैं कि हमारे पास जज्बा और जुनून है। 1971 में जब 93,000 इनके सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था, तब इनका जुनून कहाँ गया? और 1971 की बात छोड़े, जब हमारे अफगानी भाई इन पे चढ़ाई करते हैं तब इनका जुनून कहाँ चला जाता है? और अभी वर्तमान में इजराइल फलस्तीनी का युद्ध हो रहा है, काहे नहीं जाके ये लोग फलस्तीन में अपना हक लेते हैं? केवल कश्मीर 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 का झुंझुना दिन रात बजाते रहते हैं। इतना प्यारा है तो आजाद कश्मीर में उस तरह से तरक्की क्यों नहीं हो रही जिस तरह से पंजाब में हो रही है? सवाल तो ये भी है ना। हाँ जी, तो वो करेंगे इंशाल्लाह, आगे तरक्की होगी। 77 सालों में नहीं हुआ, आगे तो सेंचुरी होने में भी 23 साल रह गए। तो मिस वो आगे, जब आगे हमारे जो हुक्मरान है वो इंशाल्लाह आगे जैसे आगे हैं तो अभी बेहतर होगा। जब इस्लाम की बात होगी हम सामने होंगे, ठीक है और फतह भी करेंगे हर चीज इंशाल्लाह ताला। एक दिन ऐसा आएगा हमारे प्यारों के निशाने, हम इंडिया के अंदर जाके इस्लाम पाकिस्तान के इस्लाम का झंडा गाड़ेंगे। आप पूरे दुनिया में इस्लाम का झंडा गाड़ेंगे, जो यहूदी मुल्क है उनमें भी जाके घुस के इस्लाम का झंडा गाड़ेंगे। दोस्तों, ये लोग कह रहे हैं हम इंडिया में इस्लाम का झंडा गाड़ेंगे। इंडिया में इस्लाम खतरे में नहीं है और ना ही किसी दूसरे मुल्क में इस्लाम खतरे में। अगर इस्लाम सबसे ज्यादा शर्मिंदा है तो पाकिस्तान में है, वो भी सिर्फ पाकिस्तानी की वजह से। अरब कंट्रियां हो या दुनिया के अलग अलग मुल्क हो, हर जगह मुसलमान सुरक्षित है और इस्लाम भी सुरक्षित है। सबसे ज्यादा बुरा हाल अगर इस्लाम का किसी ने किया है तो वो पाकिस्तानियों ने ही किया है। सालों में ये हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, मेरे अल्लाह ने चाहा तो जल्द हो जाएगा। जब भी इस अवाम के अंदर खुद ब खुद जज्बा आ जाएगा ना, वो जल्द हो जाएगा। वो शायद ये काला अवाम 50 करोड़ निकला पाकिस्तान के एक मिसाल है बात, तो वो क्या अगले 5 दिनों में भी ये पूरा हो सकता है? ये सब टेक्नोलॉजी भी तो चाहिए होती है ना। टेक्नोलॉजी क्या होती है? दीन ईमान पक्का, अल्लाह सब टेक्नोलॉजी फेल कर देगा, चाहे वो बम पे चाहे वो राइफल है, सब फेल हो जाएगा। दीन पक्का है तो सब फेल है, अगर दीन मजबूत नहीं है तो निकलो ही ना। जज्बा चलेगा जब ईमान, जज्बा क्या, ईमान पक्का होना चाहिए जज्बे के साथ। दीन पक्का हो तो सब टेक्नोलॉजी फेल हो जाएगी इंशाल्लाह। उनके ये पाकिस्तानी भाई अपना दीन ईमान सच्चा होने की बात कर रहे हैं, तो फिर उन अरब मुल्क के देशों से बात करें कि इनका वीजा क्यों बंद कर दिया गया और ये टेक्नोलॉजी पे विश्वास नहीं करते हैं, जहां पे इनके लिए ही खासकर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, क्योंकि सबसे अधिक चोरों के जुर्म में सिर्फ पाकिस्तानी ही बंद है, वहाँ पे इनका दीन ईमान कहाँ चला जाता है? 77 साल हो गए, हम कह रहे थे इंडिया से कश्मीर लेना है, इंडिया वाले कहते हैं जो आपके पास है वो हमारा है, वापस करो। नहीं, उनका कैसे, हम मुसलमान है, वो मुसलमान है, इंडिया वाले कौन से मुसलमान है? हम इंशाल्लाह कश्मीर हमारा है। भी मुसलमान रहते हैं ना 25-26 करोड़, वो हमारे मुसलमान है ना। लेकिन वो आपको अपना नहीं कहते, वो कहते हम इंडियन है। नहीं, हम जो यहाँ पाकिस्तानी मुसलमान है, हम इंशाल्लाह उनके साथ हैं, हम सपोर्ट करेंगे कश्मीर को। भाइयों को अपने मुल्क छोड़ दूसरे देशों के मुसलमानों से बड़ी हमदर्दी है और अपने यहाँ एक दूसरे से हमेशा ज्वेलसी रखते हैं। पहले 4 जंगों में हराया, 5वीं में भी हार जाओगे। रात की तारीखी में हमला करते हैं ना, दिन को आके आमने सामने मुकाबला करें ना। हमारी पूरी फैमिली, हमारा पूरा मुल्क उनके साथ, कश्मीर के साथ है। हम साथ हैं इंशाल्लाह, शाना बशाना कंधा मिला के खड़ेंगे। सामने वाला दिन को हमला करे या रात को करे, हमारा काम तो होना चाहिए उनको रोके ना। हमें ले जाएं बॉर्डर पे, हम सारी रात सारा दिन वहीं खड़े रहेंगे। तो ये सारा विश्व जानता है कि छिपकर और घात लगा के हमला करने में कौन सा मुल्क बदनाम है। रही बात युद्ध की, तो युद्ध है, कोई गेम नहीं हो रहा है कि वहाँ पर रेफरी नियुक्त है। तो आप हमारे ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।